बैठका में मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगीव जी से कि आप मन जानता हो बैठका के मंच के माध्यम से हमन प्रयास करथन कि अपन छत्तीसगढ़ के एक मुद्दा पर हमन चर्चा करें। मुद्दा इसे रहा जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे से रहा, हर वर्ग से रहा। मुद्दा इसे जेमा हम अपन बोली में अपन भाखा में पक्ष से विपक्ष से और वरिष्ठ पत्रकार मन के राय लेके हमन वो चर्चा करें और चर्चा के माध्यम से एक सार्थक निष्कर्ष में पहुँचन। आज के हमारा मुद्दा है सोन के मुंदरी ऊपर राजनीतिक तोलमोल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में तमिलनाडु के भाजपा इकाई है एक जन नवजात शिशु ल सोन के मुंदरी उपहार में दिस एला लेके अब प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है मामला में भाजपा ऊपर तीखा प्रहार करे। मुख्यमंत्री कहिस कि भाजपा करे बहुत पैसा है, जब भाजपा देश भर में विपक्षी पार्टी मन के विधायक सांसद मन करोड़ रुपए दे के खरीद सकत है तो तमिलनाडु का पूरा देश भर के लड़का मन सोन के मुंदरी घलो बांट सकत है। मुख्यमंत्री कहिस कि ककरो जन्मदिन में पहली बार ऐसा अनोखा उपहार दे के बात सुने हैं। यदि मुख्यमंत्री के बयान ऊपर भाजपा घलो कटाक्ष करत है। भाजपा कहना है कि ये कोई रेवड़ी नो है जैसे कांग्रेस है चुनाव में जीते भर मतदाता मन बांटते हैं, बल्कि पार्टी के स्थानीय लोगन मन है कि एक खुशी जाहिर करे बर अपने एक झन लैका जो नवजात पैदा हुए है उसी दिन ओला दुनिया में आए के खुशी स्वरूप एक छोटे से उपहार दे है। एमा राजनीति उचित नहीं है। तो यही मुद्दा हम बात करबो। तीन खास पौना हमारे संग में जुड़ा थे। हमारे संग में अनुराग सिंह देव जी है, भाजपा के युवा के साथ साथ अनुभवी चेहरा। हमारे संग में सुरेंद्र वर्मा जी है, संगठन के आवाज़, और साथ में हम उनकर ज्ञान के भी हमेशा लाभ उठा देते हैं। हमारे संग में अनिल द्विवेदी जी है, प्रदेश के जाने माने पत्रकार। आप तीनों से हमन है चर्चा की शुरुआत करबो, लेकिन सबसे पहले अनुराग सिंह जी से पूछते हैं। अनुराग जी, मुख्यमंत्री की बात में तर्क तो है, क्या इतना अनोखा उपहार पहली बार देखे हैं कोई जन नेता के? शैलेश भैया, प्रधानमंत्री जी की आज जन्मदिन है और साथ में विश्वकर्मा जयंती भी है जी। आज सृजन सृजन और एक तरीके से अधोसंरचना विकास के दिन है और आज बड़ा महत्व है आज के दिन के। तो मैं सब सब झनला पूरा हमर छत्तीसगढ़ के सब दाई दीदी सब झनला आप मनला विश्वकर्मा जयंती के बधाई देत हूँ। और प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पे सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करे जाते हैं आज से जी। और आज से लेके 2 अक्टूबर तक निरंतर ये अभियान चलना है, जो उनमें अलग अलग प्रकार के विविध कार्यक्रम आज से जो शुरुआत है उनमें रक्तदान के एक महाअभियान पूरा देश में चलाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर तक के निर्धारित करेंगे। अब ओला मैं विस्तार से तो नहीं बताऊं, लेकिन हर सेवा के अलग अलग विविध कार्यक्रम है उनमें। अब उनमें जो आज विषय है जेकर ऊपर में चर्चा होते मुख्यमंत्री जी के बयान, और मुख्यमंत्री जी के बयान तमिलनाडु इकाई जो बीजेपी के है ओकर कोई नेता है ओमन घोषणा करीन कि भाई आज जो भी शिशु के जन्म हुए हो ही ओला आज हमन सोना के मुद्री देवो। तो मुरा लगते कि तमिलनाडु में कोई सरकार तो है नहीं, और सरकार नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से वो मुंदरी देना चाहे, चाहे सोना के हार देना चाहे, चाहे नौलखा हार देना चाहे, ओमे कांग्रेस के हमार नेता मल्ला कावर पीरा होते। अब सेवा से तो कोई संबंध है नहीं कांग्रेसी बंधु मन के। अब सेवा कर, जब भाजपा करे बर जाते और करते हर साल में तो ये मल्ला पीरा होते कि कावर सेवा करत हो और कावर लोग वितरण करत हो कहीं ना कहीं अंगूठी कोई सामान कोई कृत्रिम अंग भी भाजपा के कार्यक्रम है कि कृत्रिम अंग वितरण किया जाए, कहीं कहीं जो चश्मा वितरण किया जाए, जो हो सकता है वो सेवा का काम किया जाए, ये बीजेपी के एजेंडा में है। अब आप लेकिन अनुराग जी मैं बीच में रोका था, ये भाजपा इकाई है सोन के अंगूठी देवत है, एकर से सेवा के कोई थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ू ना अपन, थोड़ा सा कुछ कड़ी जोड़ के बताऊ। नहीं, एक बात मैं आप लोग बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत रूप से कोई, मैं शुरू में ही बोले तमिलनाडु में कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार नहीं है जी। और वहाँ की इकाई के नेता यदि स्वेच्छा से कोई दान करना चाहते कोई अवसर में खास अवसर पर कोई दान करना चाहते तो मैं बुराई के बात का, और दान के परंपरा तो भारत में बहुत पुराना है,
ये सनातन प्रक्रिया है दान की, तो एमे आपत्ति वाला कौन से बात आ गई। मोला तो आपत्ति उनमें उनमें होते कि जब छत्तीसगढ़ के 50 लाख पैसा ला उठा के वहां लखीमपुर में दे देते हैं, मान ले जाके 50 लाख किसान ला, और छत्तीसगढ़ के खजाना के पैसा रहते, छत्तीसगढ़ के जनता के पैसा रहते, तो आपत्ति तो उनमें होना चाहिए। ये तो कोई आपत्ति के विषय ही नहीं है कि कौन कहां व्यक्तिगत रूप से कोई के जन्मदिन के अवसर पर कहां दान देते हैं, उनमें कोई आपत्ति नहीं। भूदान हो सकता है, गांव दान हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अति बड़ा अवसर में अगर एक सोन की अंगूठी एक आदमी द्वारा दान में दे जाते तो भाजपा कांग्रेस का काबर पी रहा है, जबकि कांग्रेस का 50 लाख वहां दान में दे देते और अपन किसान मन के चिंता छोड़ देते। सुरेंद्र वर्मा जी। शैलेश भैया, दान के तो कोनो बात ही नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई लगातार ये मन कहा थे ना, तमिलनाडु में तो सरकार नहीं है 15 साल, तो एकर मन के सरकार छत्तीसगढ़ में रही से। यहाँ के जनता ला तो जेन वादा खिलाफी करी, जेन ठगे का काम करी, सब मौका मिले है। यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरा देश के प्रधानमंत्री है। कांग्रेस पार्टी के तरफ ले भी दीर्घायु जीवन के मंगल कामना करता हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेन 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के गरीब मन के 36,000 करोड़ के राशन घोटाला करे है छत्तीसगढ़ में, तो ये मन ला तो 9 लाख हार बांटना चाहिए। अवसर मिले है जेन सेवा के बात करे थे अनुराग जी, कोविड के समय जन कोरोना काल रही तब मतलब सेवा के याद नहीं है, तब भारतीय जनता पार्टी मन कोनो दिन दुखिया गरीब ला भोजन दे के कोविड में हमारे हमार कार्यकर्ता मन तो जगह जगह कैंप लगा के सुन लो अनुराग भैया, पार्टी के दर्शन नहीं होत रही से भाई, रखो अपन समय में फिर अपन समय में तू एक और मन के खोज रहा हो करके तमाम अखबार में आज के खबर छपे है। ये अखबार के खबर ला पढ़ लो, अडानी के संपत्ति 3000%, तो ये मन सेवा का कर करते जगत 11 लाख करोड़ रुपया सुन लो एकर मन के झूठ और लबारी ला छत्तीसगढ़ के जनता समझ चुके हैं। नहीं, लेकिन ये तो सुरेंद्र जी हमें थोड़ा विषयांतर हुआ था। विषय ये है कि अनुराग जी कहना है कि भैया अगर एक इतने बड़ा अवसर पे विश्वकर्मा जयंती का अवसर है, प्रधानमंत्री पूरा देश के प्रधानमंत्री है, ओकर मन के अवसर में एक आदमी अगर एक सोन की अंगूठी जेकर कीमत 5,000 रुपया और दान करे थे तो कांग्रेस के पेट में काबर दर्द हुआ था। ये सवाल है अनुराग जी के। कांग्रेस में कोई तकलीफ नहीं है, ये मतलब अवसर मिले मैं फिर कहा तो 8 साल पहले 15-15 लाख सब जन के खाता में दे के बात करे रही है, आज खबर की जवाब आज घोषणा करते। आज तो शुभ मुहूर्त है, माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन है, मोर ला दाना चुगा से देश के तरक्की नहीं हुआ। जेन जेन बेरोजगारी दर में शिखर पे है, महंगाई चरम पे है, और जेन असमानता भाजपा के राज में जेकर मन के पूंजीवादी नीति का प्रमाण है, एकर मन के कारपोरेट ऑफिस सैकड़ों करोड़ में हर हर प्रदेश में बनाते, जेन एकर मन के असल विषय है, जेन एकर मन के राज में प्रधानमंत्री के सुविधा प्राथमिकता है, 8,000 करोड़ के प्लेन खरीद सकते है, 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अपन घर बनाए पर फूक सकते है, 10-10 लाख के सूट पहन सकते है, पूरा देश में कवर लागू नहीं करते। आज जन्म ले लेकिन गरीब के अनुराग जी बजट के 16 लाख गरीब मन के मकान ला छीन के हमारे 500 करोड़ के मुख्यमंत्री के हाथ में राशन दिया। बड़े बात ये है कि दान के बात में कावर राजनीतिक तोल मोल। लेकिन अनिल द्विवेदी जी मोर साथ में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है। द्विवेदी जी, विषय बिल्कुल साफ है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे सोन के अंगूठी दे जाते हैं, वो तर्क कहीं कहीं सही है, अनुराग जी का पूरा जस्टिफाई भी करते थे कि भाई इतना बड़े जीत है, अब एक आदमी हो खुशी में उपहार स्वरूप में अगर इतना सोन के अंगूठी दान में करते थे तो कहाँ से वो गलत है। लेकिन तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी तर्क भी सही है, वो मन दे है कि भाई इतना भाजपा का पैसा है कि जब पूरा देश भर के विपक्षी सांसद विधायक मतलब खरीद सकते तो देश भर के लड़का मतलब वो सोना का अंगूठी बांट सकते। ये मैं एक तरह से राजनीतिक थोड़ा सा परिभाषा मुझे बताओ कि मैं राजनीति की घुसी कैसे तार्किक उनके उनके पीछे उपसंहार आपसे एक निष्कर्ष आपसे। अनुराग जी बहुत सारा उदाहरण दी सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र वर्मा जी कहना है कि भैया जब 8 साल से सरकार में हो तो जिन इतना बेरोजगारी के दर बढ़ा थे, कुपोषण के दर आ थे, जिन तमाम तरह से वैश्विक आर्थिक मंदी के हमन बात करत हन, ओकर बाद जिन है वो लगातार जिन है वो 13% के जिन हर साल के जिन महंगाई दर बढ़े जाते तो ओला एक बजाय ये उपहार मन के उनके तुलना करे थे। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, आप मन के थोड़ा सा इसमें नजरिया। शैलेश भैया बहुत अच्छा आप प्रश्न करे हो, मोला लगते कि भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता रही है, चाहे वो सरकार में हो नहीं हो,
ओकर अभियान और कार्यक्रम निरंतर चलते रहते, 365 दिन सक्रिय रहे के काम भारतीय जनता पार्टी करते। और आप देखो कि ये सेवा सप्ताह पहला साल नहीं है, हमन के एकर से पहले भी लगातार निरंतर ये पखवाड़ा एक तरीके से गांधी जयंती तक हमन मनाए के कार्यक्रम करते हैं और अलग अलग प्रकार के सेवा के काम। अब आज आप देखो, आज बहुत मेगा ब्लड डोनेशन होते, ओकर में अपना अभी आंकड़ा ही ओकर व्यापक रूप से ब्लड डोनेशन, मोर ख्याल से एक एकर से बड़ा ब्लड डोनेशन कभी नहीं हुई सो ये इस कार्यक्रम। अब दूसरा ये है कि यदि मान लो सेवा के कार्यक्रम होते, और मैं आपला एक और स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोविड के टाइम में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल रही से जला विश्व स्तर पर प्रशंसा मिली से कि सबसे अधिक सेवा का काम कोई राजनीतिक पार्टी करी से तो बीजेपी करी से, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ रही से उस समय में। कांग्रेस पार्टी तो अड़ंगा लगा के काम करत रही से उस समय, ये मन बोलत रही कि कोविड का ये टीका मत लगाओ, वो टीका मत लगाओ, ये वेंटिलेटर दो वो वेंटिलेटर मत दो, ये मुफ्त दो वो मुफ्त नहीं दो, ये दवाई दो, ये मन एक काम करत रही ने। तो ये मन के वो सेवा के जो उद्देश्य है वो कहा गए रही से, आज ये मन प्रश्न उठाते। और मोला तो कहना है कि यदि ये दौर में आज कोविड में आर्थिक जब महामारी की स्थिति आर्थिक स्थिति पूरा विश्व के चरमरा गई से और हमार भारत के GDP बहुत अच्छा ग्रोथ करत है, हम विकसित देश के हम जो इकोनॉमी में आज पांचवा स्थान में होगी इस भारत, तो ये आश्चर्यजनक नहीं है। आज आत्मनिर्भर भारत बनत है आश्चर्यजनक नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज पूरा वैश्विक रूप से आप देखो रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल सबकी कीमत लग हटाई, 20 रुपया 5-5 रुपया रसोई गैस में 250 रुपया, अब यहाँ वेट जो 25% लगा थे उसमें छत्तीसगढ़ सरकार घटाई इसका एक पैसा भी, कितना पैसा घटाई से खुद बता दे सुरेंद्र वर्मा जी। तो एमन के कोई बात की आज स्थिति नहीं है। आज मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के मानसिक दशा भी ठीक नहीं है, काबर की जहां जाते वहां लेका मन चिल्लाते वो कि सड़क बनवा देवे काका, रोजगार देवे कि नहीं काका पूछा थे, तो हड़बड़ा के कुछ कुछ बोला थे। अब जगह जगह सुने भर मिला थे, एमन के स्वास्थ्य मंत्री बोला थे कि भैया घोषणा पत्र पूरा नहीं करोगे तो मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं रहोगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा दे रहा है, यू एमन के स्वास्थ्य मंत्री बोला थे, हमन नहीं बोला था। तो एमन तो पूरा चारों तरफ से घिर चुकी है आज, और आज सेवा के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो मुला तो लगता है कि बेबुनियाद तरीके से मुख्यमंत्री जी जनता का अपेक्षा में खरा नहीं उतरने वाला सरकार कांग्रेस है। सेवा पर प्रश्न उठाते जैन सेवा के कांग्रेस से कोई लेने देने नहीं रही से, चाहे कोरोना काल हो चाहे वह देश प्रदेश के महंगाई की बात हो। मुला अनिल द्विवेदी का जाना है, लेकिन एक बार सुरेंद्र वर्मा जी से एक रूप में एक बार टिप्पणी लेना चाहूँ, जिन्होंने अनुराग जी सवाल पूछे कांग्रेस से। भैया 3 दिन पहले खबर आ रही थी कोरोना के टाइम पे बहुत अकन नकली और एक्सपायरी डेट के दवाई ला ये मना खपा है, तेकर साइड इफेक्ट जनता भोगत है। जैन प्रकार से ये बात करत रहने हैं, 250 रुपए के पीपी किट ला, 250 रुपए के टेस्ट किट ला, दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय है ओकर कमेंट है, कहा था 600 रुपए में बेचैया ये मुनाफाखोर सरकार मोदी सरकार है। हिमाचल में आपका सुरता वही पीपी घोटाला जो है वो दुनिया में वो इतना घोटाला नहीं हुआ। गुजरात के फर्जी कंपनी से मन हम वेंटिलेटर नकली खरीदे रही है, और जैन 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ में विधायक सांसद खरीदैया मन ला, तो मैं फिर से कहा था नहीं, मैं रोकू है, सुरेंद्र वर्मा जी मैं एक बार रोकू है, मैं ये 100 करोड़ और 200 करोड़ के आंकड़ा कहाँ से इसे थोड़ा सा एक बार समझना चाहूंगा आप मन से। आम आदमी पार्टी के सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, दिल्ली में प्रेस वार्ता लेके प्रमाण से ही भारतीय जनता पार्टी ऊपर आरोप लगाई, और एकर मन के जन नीति है वो तो सर्वविदित है। 55-52 स्थान रही से बुकमरी इंडेक्स में, आज 105 स्थान है, शर्म आना चाहिए। जो बेरोजगारी जो भुखमरी जो गरीबी एकर मोदी राज में अभी बढ़ा थे एकर कारण है एकर मन के पूंजीवादी नीति। जैन एकर मन के जो बेरोजगारी के आलम ऐसे है, नया रोजगार तो छोड़ दो, अभी कोविड के बाद करते अनुराग जी है, कोविड आए के पहली एक गलत आर्थिक नीति के चलते सितंबर 2017 में ही 70% माइनस चलते रही से कैश फ्लो है। तो एकर मन के जो गलत आर्थिक नीति है, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे बिना तैयारी के आधा अधूरा GST हो, एकर सजा देश के बेरोजगार भुगतता के, एक तरफ 10 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय विभाग में खाली है, आज जन्मदिन है माननीय प्रधानमंत्री के, लेकिन सुरेंद्र जी जैन GST के आप ना होकर नीति गलत बताया था, जब वो GST में बदलाव करेगी तो GST काउंसिल में तो आपके भी नहीं से मंत्री उस समय, फिर तो कांग्रेस आवाज नहीं उठाई।
यही तो अधिनायक पद है हमर माननीय। देखो लखनऊ परिषद के बैठा का बड़ा तो ही लखनऊ परिषद एकल मन के ही अधिनायक पद है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते, लेकिन एवं नियम में संशोधन पर अपन केंद्रीय मंत्रिमंडल स्तरीय समिति बनाते, यहाँ तो करो करो सुनवाई नहीं है। लखनऊ परिषद में भी डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरा में रखे पर महाराज साहब निवेदन करे रही से, और ये जन अनाज दलहन तिलहन में जीएसटी लगा है तेकर खिलाफ कई ठन भाजपा शासित राज्य छत्तीसगढ़ को पहली दिन से विरोध करते, लेकिन ये भाजपा के अधिनायक पद के प्रमाण है। नौ नौ सांसद है भाजपा के छत्तीसगढ़ के, पांच हजार से ज्यादा ट्रेन के फेरे निरस्त करेंगे। मोदी साहब हमन मुद्दा में लौटथन। मेरा अनिल द्विवेदी जी की टिप्पणी जो है वो रही गरी से, हमन एक बार मुद्दा में लौटथन। अनिल द्विवेदी जी, मामला बिल्कुल साफ है। एक तरफ पूरा देश में मोदी जी है रेवड़ी बांटे ले लेके सवाल उठा है, खुदे मन वो बहस उठा है, और मामला जिन्हें अब चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक तमाम तरह से चला थे। दूसरा तरफ एक तरफ दान के मामला आते, तीसरा तरफ बात आते कि क्या वाकई में जो राजनीति में शुचिता की बात करे जाते वो शुचिता के अब ये स्तर में आ गए हैं कि हम ये बात पे भी हम चर्चा करने लगा या फिर ये बात की सुर्खी बने। आपकी टिप्पणी बिल्कुल सेलेस मोर आवाज आते बिल्कुल ऐसे है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ला जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं, ईश्वर उला लंबा जीवन दे, चिरायु जीवन दे। और जहां तक आप बात उठाए हो कि जौन बीजेपी सुचिता के सादगी के बात करते, हमन देख रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहीस, जब वो प्रधानमंत्री बनी और ओला जौनो देश विदेश से गिफ्ट मिले रहीस, ओला बेच के वो जन सेवा करीस, तो जनता ला जनता के पास मदद करीस ओकर कोरोना काल में, तब ओकर पार्टी मोदी जी के जन्मदिन के समय अगर सोने के अंगूठी बांटते तो ये सारी चीजें गौण हो जाते। अब हम देखे रहे कि जब हम व्यक्तिगत रूप से तो मैं एक सब सहमत हूं कि ठीक है जन्मदिन में आप जौन गिफ्ट देना चाहो दे सकते हो, पर जब सार्वजनिक जीवन में रहते कोनो राजनीतिक दल काम करते, जब आप सादगी के और शुचिता के परिचय देता हो, तब सोने की अंगूठी बांटे भर में थोड़कन अचकन लगते। ठीक है, अब देखो मैं एक बात, पर ये पहली बार नहीं हुई सेलिस भाई, राजनीतिक दल जनता ला लुभाए भर के तमाम तरह के गिफ्ट और उपहार देते हैं। हमन चुनाव ला काबर भूलतन कि तमिलनाडु में पहली बार हुई जब जनता ला वोट ले खितिर राजनीतिक दल टीवी बांटिस, सोने की अंगूठी बांटिस, पायजब बांटिस। तो राजनीतिक दल में जब चुनाव चलते तब हमन देखे रहे कि राजनीतिक दल मन है एक गिफ्ट जनता ला बांटते। अब बड़ा आश्चर्य होते बड़कन आश्चर्य होते कि अब जन्मदिन में भी एकर शुरुआत हो गए। थोड़ा सा बीजेपी ला बचना चाहिए ए तरह के प्रयोग में। जउन नेता मन ये सोचते कि सोने की अंगूठी बांट के नरेंद्र मोदी ला खुश कर देबो, वो गलत भ्रम में हवे। नरेंद्र मोदी ला मैं जान अपन देखे रहे हो कि जब वो विमानतल में आते तो रिक्वेस्ट करे रहे राजनीतिक दल से नेता कार्यकर्ता से कि सिर्फ एक ठन गुलाब दो, गुलदस्ता दे के जरूरत नहीं है, काबर के अल्प व्ययी बनो, मितभाषी बनो। ठीक है, तो जब नरेंद्र मोदी यहाँ संदेश देते है तो ये भ्रम में नेता मन ला नहीं रहना चाहिए कि ओकर जन्मदिन में सोने की अंगूठी बांट के ओला खुश कर ले वो। ठीक, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बीच बीच में ये संदेश देते कि भाई सादगी से रहो, साफ सफाई बरतो, स्वच्छता बरतो, और ये संदेश सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता मन ले ऐसे नहीं है, ऐसे सब जन सीख सकते, पूरा देश सीख सकते। तो बीजेपी ला ये प्रयोग करे बर से बचना चाहिए। आप अमीर हो, आप सक्षम हो, वो सब ठीक है, वो सब चलते। व्यक्तिगत रूप से आप करोड़ों के लाखों के गिफ्ट दे दो वो चल जाते, पर जब आप सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दल के तरफ से आते हो तब थोड़कन संकोच बरतना चाहिए। जिन पार्टी के नेता जिन है वो मितव्ययिता के और जिन्हें सादगी और सुचिता पूर्ण जीवन बिताए के कहते हैं पार्टी कार्यकर्ता मन है जिन्हें वो सोना का अंगूठी दे के अपन नेताजी से मतलब गुरु से चेला आगे निकल गए। मैं एक बार सुरेंद्र वर्मा जी कुछ बोलना चाहते लेकिन अनुराग जी से एक मैं जवाब लूँ। एक बड़े सवाल उठा अनिल द्विवेदी जी है कि जिन आपके नेता जिन है जिन मुखिया है आपके वो एक तरफ पूरा दुनिया संदेश देते कि आप जिन्हें मितव्ययिता से सादगी पूर्ण जीवन जियो, लेकिन वही नेता जन्मदिन में ओला खुश करे बर ओकर कार्यकर्ता मन ओकर से आगे निकल जाते और सोना के अंगूठी बांटते थे मन जिन्हें वो अव्ययिता के दिखावा करते थे। अनुराग जी, शैलेश भैया ये जो तमिलनाडु के मोला तो जानकारी भी नहीं रही से आप ला बताऊं मैं तो ओला मुख्यमंत्री जी के बयान देखे के बाद में ओला जानकारी नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल ये खबर कल से है कि वो जिन्हें भाजपा इकाई द्वारा सोने का अंगूठी 5 ग्राम के और एक मछली
ये उपहार स्वरूप जी पैदा हुआ लड़का मल्ला। देखो हाँ जी, तो अब आप देखो यह निश्चित रूप से पूरे तरीके से जैसे अनिल भैया बोले थे, बोला लगते पूरे तरीके से व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत रूप से देखो ये तो बाद में विषय आई, उकर चर्चा भी हुई पार्टी के अंदर में, उकर वो भी हुई, लेकिन वो यदि व्यक्तिगत रूप से, मैं तो मानता हूँ कि कई जन बहुत भावनात्मक होते हैं, और भावनात्मक होने के कारण उमन लगते है कि मैं कुछ बढ़ चढ़ के करूँ, कुछ अच्छा करूँ, तो उमन की यदि भावना कहीं ना कहीं है कि मोला सोना के मुंदरी देना है हर जन्म जात बच्चा ला जो आज पैदा हुई से, तो आज बड़ा फॉर्चून एक अच्छा दिन माने होते कि आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है आज, तो आज कोई बालक यदि जन्म लेते तो ओला गिफ्ट मिलना चाहिए, तो यदि ये भावना से वो करते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भावना के भी कद्र होते समाज में, तो निश्चित रूप से हमार आचार संहिता में या विचार में वो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ज्यादा हो सकत हुई एक भौतिकवाद की तरफ कदम हो सकत है, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से वाला गलत बोलना, भावनात्मक दृष्टि से गलत बोलना वाला उचित नहीं अनुराग जी कहना, लेकिन हम हमेशा से अनुराग जी के साफ गोई के प्रशंसक भी रहे, कावर की उन्होंने ये भी बोल दी कि पार्टी स्तर में जरूर ये पार्टी फोरम में जरूर ये बात उठना चाहिए कि क्या वाकई में वो कार्यकर्ता जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। सुरेंद्र जी आप मन कुछ कहना चाहते हो? पहले भैया अनुराग भैया कहा थे कि भावनात्मक दृश्य महत्वपूर्ण है होना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता मन के भावना मर गए है का? और बहुत महत्वपूर्ण बात अनिल द्विवेदी जी की, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत सुंदर बात कही कि ये भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद के प्रमाण है कि मोदी करा अपन नंबर बढ़ाए बर काबर की सत्ता और संगठन में तो एक ऐसा के एकाधिकार है, तो अपन नंबर बढ़ाए बर ये प्रकार के इवेंट भाजपा के नेता मन करा थे, तो छत्तीसगढ़ में तो 15 साल में छत्तीसगढ़ के जनता के हक गला घोट के वो छत्तीसगढ़ के जनता के गरीबन के 21 लाख का काम करत हो आप मन बना के ओवे रोग रहना चाहिए नान घोटाला करे और बात का विषय वो है, बात का विषय नहीं है लेकिन निष्कर्ष ये निकाल सकता ना हम कि जिन देश में प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत खुद रेवड़ी बांटे जैसे मामले में सवाल उठा है वो देश में वाकई में जिनकी इसके अगर निजी जीवन में हम अनुराग जी के तर्क सही ठहरा सकते हैं कि निजी जीवन में अगर कोई व्यक्ति की भावना है ककरो प्रति आदर है ककरो प्रति सत्कार है अपन वो भावावेश में अपन उपहार देकर अगर वो श्रद्धा प्रकट करना चाहते हैं निजी जीवन में जिन्हें वो सही ठहराया जा सकता है, लेकिन कहीं भी राजनीतिक जीवन में सार्वजनिक जीवन में वो देश में जहां पे राजनीतिक सुचता मित व्ययता और सादगी के ऊपर जिन्हें बहस छिड़े हुए हैं हर कोई अपना आप साबित करने में लगे हुए कि राजनीतिक सुचता जिन्हें उकर से ज्यादा कहीं और कोई दूसरा पार्टी नहीं है या उकर से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं है, वैसे में वाकई में ऐसे जन के दिखावा से कहीं ना कहीं बचना चाहिए खासतौर पर सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में। आप तीनों पहुने उनके बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल हुए, कल नवाविशा के साथ फिर मुलाकात करो। Thank you.